कांग्रेस और ओवैसी पर भड़के गब्बर, कांग्रेस पर कैसे किया करारा प्रहार, ओवैसी को बताया नफरत की फैक्ट्री। ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं, जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोट दिया, तुम्हारे पाप किसी भी हालत में धुलने वाले नहीं। ओवैसी तो नफरत फैलाने की फैक्ट्री बन गए। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और तथाकथित बुद्धिवादी हैं, वो बेमतलब के मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नू में एक हिंसा हुई है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। हिंदुस्तान की प्रजातांत्रिक प्रणाली देश की सबसे बड़ी प्रणाली है और उच्चतम शिखर पर है। प्रधानमंत्री कहाँ कर रहे हैं? क्या एक भी सरकार को भंग किया गया? 356 लगाई गई। इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने कितनी बार सरकारें तोड़ी? ऐसे ऐसे हालात हुए कि प्रधानमंत्री का जहाज नहीं उतरने दिया गया, अमित शाह जी का जहाज नहीं उतरने दिया गया, अपने ही देश के अपने एक प्रांत में। पर तब भी उन सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार बनाना, मुख्यमंत्री बनाना वहाँ के विधायकों का काम है। हम प्रजातंत्र की भावना में विश्वास रखते हैं। अरे ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं, जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोट दिया, इमरजेंसी लगा के सारे देश में लोगों को जेलों में डाल दिया, झूठे केस बनाए, जबरदस्ती नसबंदी करी। अरे कुछ तो होश करो मित्रों, कुछ तो होश करो, तुम्हारे पाप किसी भी हालत में धुलने वाले नहीं। देखो ओवैसी तो नफरत फैलाने की फैक्ट्री बन गए। कहीं पर भी कुछ ठीक होता उनको अच्छा नहीं नजर आता, और हर मामले में वो बेतुके बयान करते हैं। उनको इत्मीनान से चीज़ों को देखना चाहिए, फिर उस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए।